अब आइए देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है इसको अगर हम लोग हिंदी में कहें तो भूगोल। अच्छा वो आपको अभी याद नहीं रखना जो भूगोल किसे कहते हैं, तो तुम लोगों ने कह दिया कि पृथ्वी गोल है वही भूगोल है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम इसको अलग अलग करें तो जियो जो एक शब्द है, जियो जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अगर इसे हम हिंदी में कहेंगे तो पृथ्वी, जियो का मीन्स पृथ्वी। और इसके साथ जो ग्राफी शब्द है, ये बच्चे जो ग्राफिक शब्द है इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन करना, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, अगर इसकी हम लोग थ्योरी जानने की कोशिश करें ज्योग्राफी क्या है, तो बच्चे इसको हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। कोई पूछे कि ज्योग्राफी क्या होती है, तो ज्योग्राफी जो होती है वो कहलाती है पृथ्वी का वर्णन करना, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफी। अच्छा इनके जो फादर है ज्योग्राफी शब्द की, वर्ड फादर मतलब इस शब्द को, भूगोल को कहने, मतलब भूगोल शब्द की जो खोज करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो है हीरोटो स्थनीज। कोई आपसे पूछे कि भूगोल शब्द को कहने वाले, बोलने वाले, भूगोल के जो जनक हैं वो क्या कहलाते हैं? हीरोटो स्थनीज। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? अब इसी ज्योग्राफी, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी का अध्ययन, अगर आपने पृथ्वी का अध्ययन कहा तो गलत है, वो कहलाएगा जियोलॉजी, उसको आप लोग कहेंगे जियोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी माने अध्ययन करना, अर्थात जियोलॉजी जो होती है वो कहलाता है पृथ्वी का अध्ययन। और ये जो पृथ्वी का अध्ययन है बच्चे, वो ये केवल ओनली फॉर अर्थ, ओनली फॉर अर्थ, अर्थ के बारे में बताता है। जबकि हम लोग पृथ्वी और उस पर प्रकृति, भूगोल में जानेंगे कि हमारे देश की कहां पर कौन सी मानसून, कौन सी नदी प्रवाह, जो नदी प्रवाह है उनके बारे में, मैदानों के बारे में जानेंगे, दर्रों के बारे में जानेंगे, माउंटेन, तो ये सारी चीजें के बारे में जानने वाले, इसलिए हम इसको भूगोल कहेंगे, जियोग्राफी कहेंगे। बच्चों उसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं इंडियन, जो 9th में सिलेबस में है उसमें हम लोग भारतीय, केवल भारत की जो बेसिकली जो सिलेबस के अंतर्गत है उसको हम जानने वाले हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन समझेंगे, ज्योग्राफी है क्या इसका एक, इसकी प्रस्तावना जानेंगे, प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर दूसरे सेशन में और आगे बढ़ते हैं क्रमशः, तो फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया मतलब भौतिक जो संरचना है भारत की, जो भौतिक संरचना है भारत की उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत की भौतिक संरचना, भारत की भौतिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे, भौतिक संरचना के बारे में जानेंगे। इसके बाद और इसमें क्या जानने वाले हैं, जैसे माउंटेन जो पर्वत है, माउंटेन मीन्स पर्वत, उनके बारे में जानने वाले, कौन से पर्वत कहां पर स्थापित हैं या इनकी रचना कैसी हुई, ओरिजन उनके, और अब तक डीपली जाएंगे तो ओरिजन मतलब, ओरिजन मतलब उत्पत्ति की, कैसे पहाड़ कैसे बने, हिमालय पर्वत कैसे बना, पहले कौन सा सागर था, कैसी उत्पत्ति हुई, टाइप जानेंगे पर्वत के, प्रकाश जो टाइप्स है इसके बारे में जानेंगे, लोकेशन कौन सा पर्वत कहां पर है इसकी लोकेशन जानेंगे, चोटी कौन सी ऊंची पीक चोटी है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, और प्लेटियस पठार पास दर्रों के बारे में, काराकोरम दर्रा,
करते हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइसलैंड द्वीप समूह जानेंगे कि द्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित है। मैप के अकॉर्डिंग टू मैप ज्योग्राफी बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है मैप जानने के लिए, मतलब मैप से ही आप ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्लेन्स मैदान, जो मैदान है उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दरअसल ज्योग्राफी में संसार का जो भूगोल होगा उसके और यूएस के अंतर्गत हम लोग भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेंच पैटर्न ऑफ इंडिया, जो नदी के प्रवाह तंत्र है या प्रवाह अप्रवाह तंत्र, भारत में गंगा नदी हो गई, जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस तरह वो उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं अप्रवाह तंत्र में। इसके बाद रिवर सिस्टम के अंतर्गत रिवर प्रोजेक्ट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नदी परियोजनाएं जो है, नदी परियोजनाएं जो भी बांध डैम जितने भी हमारे, कौन सा डैम कहाँ किस राज्य में कहाँ पर स्थित है उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही आगे अगला जो चैप्टर हम लोगों को क्लाइमेट जलवायु के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सॉइल हमारी जो मिट्टी है, कौन सी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, किस मृदा, कौन सी मृदा कैसी होती है, कहाँ पर स्थित है, उस पर कौन सी फसल उगाई जाती है, इन सब चीजों में जानेंगे। इसके बाद छह नंबर जो हमारा आएगा वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मतलब कृषि क्षेत्र, भारत में कहाँ पर कृषि क्षेत्र, कृषि भूमि ज्यादा है, कौन सी कृषि किस फसल मतलब ज्यादा प्रेरित करती है, कौन से राज्य में कौन सी फसल ज्यादा होती है, किस चीज के लिए जाना जाता है, जैसे चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, बहुत सी सारी चीजें हैं हम लोग जानने वाले हैं इसके माध्यम से। आगे बढ़ेंगे तो वेजिटेशन मतलब वन्य क्षेत्र, वनस्पति, भारत के वन्य क्षेत्र, वन भूमि कितने प्रतिशत है, कहाँ पर ज्यादा वन में है, किस राज्य में कौन से वन में कौन से अभयारण्य बनाए गए हैं, सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट परिवहन। सबसे पहले पता यह है कि हमारा भारत स्थित कहाँ है, जैसे हम सबसे पहले जानते हैं ग्लोब से, किसके जरिए बच्चों, ग्लोब के जरिए। अब ये पता करना है भारत हमारा कहाँ, तो मदद लेते हैं ग्लोब की, किसकी मदद बच्चे ली जाती है, ग्लोब की हम लोग मदद लेते हैं और उससे हमको पता चलता है कि हमारा भारत स्थित है यहाँ पर। ऐसे ये ग्लोब में जो हमारा भारत है वो यहाँ पर बच्चे स्थित हुआ है, लेकिन अब जो ग्लोब में रेखाएं खींची जाती हैं, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ग्लोब होता है, ग्लोब का मतलब क्या होता है कि मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रारूप बताता है कि कौन सा देश कहाँ पर, ग्लोब के जरिए हम लोग जान पाते हैं। तो जैसे ग्लोब मीन्स पृथ्वी का प्रारूप, तो उस ग्लोब में क्या होता है बेटा कि कुछ लाइनें ऐसे रहती हैं, आपने देखा होगा कुछ रेखाएं ऐसी ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींची जाती हैं, तो जो रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर होती हैं ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं, उनको हम वर्टिकल क्या कहते हैं, वर्टिकल खींची होती हैं ऊर्ध्वाधर, और खींची जो ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल जो लाइन्स होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब हिंदी में बोले तो देशांतर रेखाएं। ग्लोब में खींची हुई जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। और कुछ रेखाएं क्या होती हैं बच्चे, ऐसे खींची रहती हैं, आपको पता होगा ऐसे, आपको याद होगा ऐसे बहुत ऐसे खींची रहती हैं, अर्थात हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज ऐसे खींची हुई हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको हम लोग लैटिट्यूड या इसी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, अर्थात ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है देशांतर रेखा या इंग्लिश में बोलते हैं तो लैटिट्यूड, और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं या लैटिट्यूड। इतनी बात क्लियर हो पा रही, अब देखते हैं ऐसा पूछा जाता है कि भारत ग्लोब में कहां पर स्थित है, भारत ग्लोब में कहां पर स्थित है, अर्थात जो रेखाएं ग्लोब में ऐसे आप समझ पाएंगे
ये ग्लोब है ऐसे जो वर्टिकल रेखा है तो एक मध्य से ग्लोब में खींची गई, तो इधर का हिस्सा क्या कहलाया बेटा ईस्ट, इधर का हिस्सा क्या कहलाया वेस्ट। ग्लोब में आपने देखा नहीं इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, पूरा पश्चिम, तो ये सारी रेखाएं ऐसे खींची हुई है। तो ये देखो ये रेखा आई हुई है, ये एक रेखा और ये एक रेखा, हमारा भारत कहां पर स्थित है, ये यहां पर स्थित है, हमारे भारत की स्थिति है। अब यहां पर ऐसे जो रेखाएं खींची है तो ये जो रेखा है अलग देखिए, ये देखिए इधर से और इधर से ये भारत, ये यहां पर, तो ये यहां से रेखा कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, ईस्ट में है, इसलिए ये पूर्वी गोलार्ध हेमिस्फीयर, ठीक है, देशांतर, पूर्वी देशांतर गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। कोई पूछे कि भारत की पहली स्थिति, अभी हमने जो वर्टिकल है वो स्थिति हमने प्राप्त की, अब क्या है जो हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये देखो कुछ लाइंस ऐसे खींची गई, ठीक है। अच्छा ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक होती हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता है, नहीं तो यहां से भी तो कोई रेखा गई होगी, इधर से भी कोई रेखा गई, ये काल्पनिक होती है, ठीक है। अब क्या है तो इसमें देखो बेटा, इधर ये नॉर्थ और ये साउथ, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ, तो ये साउथ में है कि नॉर्थ में, नॉर्थ, इसलिए इसे कहा गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो भारत देशांतर रेखा पर पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश रेखा पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। बात क्लियर होगी, ग्लोब से पूरी पृथ्वी जो है बच्चे वो गोल इस प्रकार है, उसमें रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं, तो पृथ्वी यहां पर अर्थात भारत, सॉरी भारत यहां पर स्थित है, तो भारत में ऐसे ऐसे जो बहुत सी रेखाएं, तो ये जो रेखा है इस पर स्थित है, और ऐसे 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 ये जो मिल गया जाए, तो ये जो रेखा मिल जाती है जाकर जिसे उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश रेखा में उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखा में पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, ये यहां पर हमारा भारत।